सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज हम पहुंच रहे हैं कि देखो, आप तो पहले भी दिखाते रहे हैं कि टैलेंट कितना है, और आज उस टैलेंट के पास पहुंचे हैं जिस लड़के ने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बना दिया है कि भुंगासन पहले था 64 मिनट का, इसने 125 मिनट का बना दिया है। हमें पता चला तो हम पंकज के पास आए हैं, तो आपको दिखाए भी, पहले तो आपको दिखा दे कि इसने आसन में कितने मेडल जीत रखे हैं योगासन में, ये चीज़ दिखा दे। आपके पीछे बैग में भी है तो बहुत सारी है, और जो अपने डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला ने भी सम्मानित कराया है, जो अनूप धानक जी है उन्होंने भी इनको सम्मानित किया है। तो मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, आप देखने लग रहे हो। ये रखी है वर्ल्ड वाइड बुक रिकॉर्ड है जो इस लड़के ने बनाया है। राम राम पंकज। नमस्ते द लोकल एक्सप्रेस देखने वाले सारे दर्शक और भाई बहना ने, राम राम। मैं पंकज सिंह रोहा जींद में रहूँ मैं, और अभी फ़िलहाल में मैंने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में योगा में अपना नाम दर्ज करवाया है। अच्छा पंकज, गांव का नाम कौन सा है? अथवाड़ा जुलाना के पास है। जुलाना के पास। पिताजी क्या करते हैं आपके? खेती करते हैं, और उनका नाम ब्रिजबान सिंह रोहा है। किसान है जी मैम। मतलब किसान के लड़के ने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो पंकज कितने साल की उम्र से कर रहे हो योगा? मैं योगा 2016 में करने लगा था, जब मेरी उम्र लगभग 11 साल थी, और आज मेरी उम्र 17 साल हो चुकी है, और तब से मैं लगातार योगा कर रहा हूँ। लगातार कर रहे हो। तो जो भुंगासन होता है तो मतलब थोड़ा उसके बारे में बताओ क्या होता है। जो ये भुमासन होता है इसको इंग्लिश में लेग स्प्लिट पोज भी कहा जाता है, और इस आसन में आपको अपने दोनों पैर 180 डिग्री पे स्प्लिट करने होते हैं, यानी कि खोलने होते हैं, और हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़कर उन अपने पेट को और छाती को ज़मीन पर मिलाना होता है। जी मतलब कितने इतने सालों से आप योगा कर रहे हो, तो आप आगे क्या करना चाहते हो इसमें? आगे मैं योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहूँगा इसी फील्ड में, और एक आधे और वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाऊंगा, तो अभी तैयारी चल रही है। तो उनकी माता जी हमारे साथ है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? नीरू। नीरू, तो नीरू जी ये शौक कैसे लगा योगासन का? बस पता नहीं, यो जैसे स्कूल में पार्क में खेलन लग रहा था तो योगा सर ने बुला लिया इसको, एक दो आसन करवाए इस पर, तो जो बच्चे सीखने लग रहे थे उन तक भी बेस्ट कराया इसने, फिर इसने अपना नाम लिखवा दिया वहाँ पे, तो उस टाइम पे जो सीखने लग रहा है। अच्छा, कितने साल का था उसमें? 11 साल। तो 11 साल से मतलब 17 साल का हो गया, तो लगातार उसी फील्ड में है। मतलब देखो बहुत सारे बच्चे तो मतलब उसमें जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, खेलों में जाते हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि उनमें जाए या फिल्म में? ना, हमने तो नहीं सोचा भाई जो बच्चे में टैलेंट है वो करे, लेकिन बहुत सारे कह दे कि योगा में कोई स्कोप नहीं है, किसी और गेम में डलवा दे, लेकिन हमने छुड़वाया नहीं इसका। देखो योगा की अगर बात करें ना, योगा में तो सारा शरीर तोड़ना मरोड़ना पड़ा है, अपनी देसी भाषा में कह देता है, पूरे शरीर नहीं ला दे है। अब देख लियो आप करवा की। अच्छा तो एक बार पंकज अपने ये वर्ल्ड वाइड बुक रिकॉर्ड निकाल कर दिखाओ, जिसमें आपके मेडल मॉडल हैं, जो बुक है। तो ये है जो रिकॉर्ड बनाया है पंकज ने, और वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मेडल भी मिले इसके साथ में, और एक सर्टिफिकेट वो ऊपर टंगा हुआ है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का, जो कल आया था, वो पहले लेके आए थे। तो देखो ये है 17 साल की उम्र में, मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट है, और ये तो पूछो ना आप कितने सारे मिल रहे हैं, ये तो बहुत सारे, ये मतलब स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के ये सारे ले रखे हैं। ऊपर एक पहले और बनाया है, कौन सा नाम बता रहे पंकज? वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में था, अभी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो वो इंडिया का था और ये पूरे वर्ल्ड का है। तो मतलब ये उपलब्धि हासिल की है पंकज ने 17 साल की उम्र में, मेडल देख लो पूरा भरा है। लेकिन ये देखो ये वाले में जो 2017 में वर्ल्ड रिकॉर्ड वो वर्ल्ड उसमें था नेपाल में। अच्छा, गेम मतलब बाहर के देशों में भी जा लिए? हाँ, नेपाल में इंटरनेशनल हुआ, अभी तो नेपाल में ही गया हूँ, इंटरनेशनल कम होते हैं योगा के, जब ये 2017 में होता है उसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर आया था। अच्छा, तो पंकज कितनी मेहनत करनी पड़ती है? प्रैक्टिस का तो ऐसा कि रोज कंटिन्यू करनी रखती होती है प्रैक्टिस, और एक दिन भी छोड़ दिया तो उसमें भी इफेक्ट देखने लग जाते हैं बच्चे की, एक महीने पीछे चले गए, दो महीने हो गए, और इंजरीज भी होती हैं, जैसे इसमें बैक पेन हो गया, मसल्स खींच की बहुत सारी, तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है ये। तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम आई है इस प्रकार की? हाँ, होते रहते हैं टाइम टू टाइम, अगर अच्छे से नहीं करते या बीच में प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, जैसे बैक पेन हो गया, मसल्स खींच गए ऐसे। अच्छा, तो पंकज अगर बात करें खाने पीने की, तो खाने पीने का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है?
हाँ, इसमें जैसे ये नहीं होता कि बस फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। जैसे काफ़ी आसन हैं उनमें स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों चाहिए। तो हाँ, इसमें प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ देखनी और होती अभी है। पढ़ाई कौन सी क्लास में कर रहे अभी हो? मैं 12th में हूँ। 12th में हो तो साथ में पढ़ाई भी चल रही है। हाँ तो फिर मतलब जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल के बाद टाइम देते हो उस चीज़ को, हाँ योगा को, हाँ योगा को, सुबह और शाम दोनों टाइम जाता हूँ दोनों टाइम? मैं। तो इसके लिए स्पेशल कोचिंग लिया आपने हाँ यहीं पे इसके, जींद में ही हाँ जी में डिवाइन योगा अकेडमी DAV स्कूल के पास है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ प्रैक्टिस करते हो? जी में। तो बाकी इनकी माँ से पूछ लेते हैं। तो मतलब देखो, आपको क्यों कहते हैं ना कि मतलब माता पिता का उतना ही हाथ होता है जितना बच्चे का होता है, तो मतलब आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? बस ध्यान तो इसका खाने पीने का रखना पड़ा है, फिर इसकी मालिश भी करनी पड़े दोनों टाइम, और फिर जैसे स्पोर्ट्स के लिए जावे उस टाइम सुबह ले के भी आना पड़े, कई बार छोड़ के भी आना पड़े। 4-4 बजे छोड़ के आई हूँ सुबह, इसने रेलवे स्टेशन पे रात को लेके भी आई हूँ। इसके पापा तो बहुत कम टाइम दिया करें, हाँ खेती करते हैं। तो मैं नहीं करना पड़े जो भी करूँ। देखो मतलब जब बच्चा कहीं पे सक्सेस होता है ना, तो उसमें माता हाँ पिता का बराबर का होता है। हाँ तो इसके पापा ने मैं स्पेशली इसीलिए छोड़ रखी हूँ यहाँ पे कि बस तू इस पे फोकस कर, बाकी मैं देख एक लूँगा। लड़का लड़का आपका? हाँ अच्छा, तो मतलब पंकज गिनानी जी हमारे साथ में है थोड़ा, तो ताई तो बात करेंगे। राम राम ताई। राम राम। के नाम ताई? मेरा सरोज नाम है। सरोज है हाँ। तो ताई दोता कह दे हाँ, अपने। दोता है अपना तो जब दोते ने यो वर्ल्ड वाइड बुक रिकॉर्ड बनाया, तो कितनी खूब खुशी हुई थी? खुशी मिली इस्तीफा तोड़ के, खुशी हो गई। अच्छा, खूब खुशी, खूब खुशी मिली। हाँ तो नानी की तो और भी उम्र बढ़ गई हाँ, और होगी भी खूब बढ़ेगी। ये देख शरीर इसने कितना बढ़िया बना रखा है, योग भी करवा हुआ मेरे। अच्छा, और वो अंधे ने मरोड़ देगा वाह नानी, यो ऐसे यो इसे न करा क्या, यो फिट शरीर मेरा। ताई और चल रही हाँ, उम्र वही और तो खूब बढ़ेगी, है, सही बात है। तो वो आप भी कर लो हाँ, योगा? योग कर ली हूँ मैं। अच्छा, तो कोई दिक्कत शुरू में दिक्कत आई? शुरू में तो आई, अच्छा शुरू में तो मैं इसकी उस खुशी में ठीक हो गई हूँ मैं, नहीं तो बीमार रहने लगी थी। अच्छा, एक साल तो ही तो बहुत बड़ी बीमार हुई थी। इवनो हर रोज की बच्चा की खुशी सुना तो उसमें तो आप पे शरीर ठीक रहेगा। तो ये तैनू बताओ, अच्छा एक अलकर का इसमें फील करो हो। ये छोटा है ना, मैं ले आए थे अभी बच्चा 19-20 9 हजार तो उनको नन्हे के बिगाड़ दिया। अच्छा, मामा है? कराया करता हाड़ ही रहा करता ही। अच्छा, तो हमने तो और भी ज्यादा खुशी है। अच्छा, तो ये मामा है यहाँ पे ना, हमारा अलग घर है यो तो इन्हें का मकान। अच्छा अच्छा, वैसे आप भी यहाँ पर रहते हो ना? में ना 11 सेक्टर में आगे अपना मकान। तो अच्छा, तो आप मैं तो वहाँ आ गई थी। फिटना रहे हो? हाँ भाई सुन। अच्छा हाँ, मामा का ज्यादा रहा है? हाँ कया करे भी मामा ना करे बड़ा भी करे हाँ, यो तो इसने तो करके दिखाया, करके दिखा दिया इन्हें तो। हाँ चलो, मामा नाना ने भी जो दोनी खुशी होया करे, खुशी दोनी खुशी हुई खूब। अरे भी मत नहीं को भी तो आगे बढ़े तो न किसी बात की चिंता को, तो आगे आगे चीज मिलेगी। तनु बताओ, देखो आपके तो पास रहा है पंकज हाँ। छोटा सा है, मतलब जैसे बच्चे शरारत करते हैं, रोर करते ना, हैं ना, इसने कुछ नहीं क्योंकि करी। पंकज को देख कर लगता नहीं कि शरारत ना, भी करता होगा? शरारत को नहीं करी इसने, छोटा था जब। एक बार नो डांट दें दे ना, उड़ा क्यों बच्चा के साथ झगड़ा और बाजी कदे नहीं करी इसने। इसकी ये तो रुचि थी, एक जी बे रह गया। इसकी मम्मी उड़े गम में थी, ये मेरे दौरे शरारत करो तो थोड़ा ना रखा जा रही है। तो आप बताओ, मतलब योगा के साथ साथ पढ़ाई में कैसा है? पढ़ाई में अच्छा है, 10वीं में 90% नंबर थे इसके। अच्छा हाँ, अच्छी पढ़ाई भी साथ में अच्छी कर पढ़ाई रहा भी है। ठीक कर ले, इब तक तो ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ट्यूशन ट्यूशन नहीं लेता अब तक तो ठीक है, आगे देखो। मतलब देखो पूरे दिन, अब मतलब हमें तो देखने से लग रहा है कि पंकज बिल्कुल शरारत। तो इसकी कुछ एक्टिविटी अलग से भी रहती है ना? बिल्कुल शरीफ है ना? शरीफ तो ना नहीं है, शरारत जैसे घर है। में तो करे शरारत, लेकिन करते बाहर जाके थोड़ी सी भी नहीं, जैसे अब बैठा ही हूँ होगा। अब जैसे ये देखो स्कूल जाता है उसके बाद योगा भी करता है, तो मतलब खाने पीने में इसका क्या रहता है दिनचर्या? बस दिनचर्या तो कुछ नहीं है, सुबह थोड़े से चने खा रहे बिल्कुल ही चने से, और 5-6 बादाम और अंजीर, बस यही खाया करे। भिगो के देते हो? हाँ, और तो अलग तो कुछ नहीं, घी तो बिल्कुल ही नहीं खावे। चलो देखो, क्योंकि पूरा शरीर त्रोड़ना मरोड़ना पड़ा है, क्योंकि सबके बस की बात ना है पूरा शरीर घुमाना और वो करना, क्योंकि अगर देख ताई का तो जी घबरा जाए हाँ, पर ताई तो आप भी करो हो हाँ, ये तो योग करवा दे मेरे योग। अच्छी बात है, करा करो ताई योगा करना, योग तो है, बीमारियां तो दूर हो गई। मैं कुछ भी बीमारी को नहीं, मेरा देख लो
दवाइयां तो भी सही बात है, योग का जो हो जाए योग करना हल्का शरीर हो जाए उसका। ये आपकी बेटी भी करा है योग? ना कुछ नहीं करा, वैसे योग कराए बराबर है इसका, वो शरीर चट सा इसका, या तो भगवान ने नहीं सी बनाया दी कहीं जावा है। तो देखो थोड़ी और पंकज के कहना चाहोगे अपनी उम्र के बच्चे आते हैं? यही है कि अकेले पढ़ाई से भी काम नहीं चलेगा, साइड में एक करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, पेंटिंग डांसिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, क्योंकि उसमें बेस बन जाता है। अगर आपको आगे पढ़ाई में भी वो बनाना है स्कोप, तो उसके लिए भी करिकुलर एक्टिविटीज ज़रूरी होती हैं। जैसे अगर काफ़ी बच्चे बाहर जा रहे हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि जो पढ़ाई का 90% आगे 95% आगे, साइड की एक्टिविटीज़ भी मांगते हैं, डांसिंग की कोई वॉलंटियरिंग होगी तो वो भी करनी बहुत ज़रूरी होती है आज के टाइम में, अकेले पढ़ाई से भी काम नहीं चलता। बिल्कुल। और देखो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मैंने पंकज की, पंकज ने बताया कि साइड एक्टिविटी भी करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर बात पढ़ाई की करें तो देखो पढ़ाई के साथ साथ में मतलब शरीर की भी एक्टिविटी होती रहनी चाहिए, शरीर थोड़ा फिजिकल भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि शरीर भी एक्टिविटी करता रहेगा थोड़ा बीमारियाँ तो भी दूर रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा और भूख भाक भी लगेगी। आदमी पूरे दिन एक जगह बैठा रहेगा पढ़े जाएगा तो भूख भी कम लगेगी, क्यों ताई भूख भी ना लगे ताई है, तो थोड़ा हाँ एक्टिविटी शरीर की भी होती रहनी चाहिए, चाहे खेलो कूदो या योगा करो, और योगा तो इसी चीज़ है, अच्छे अच्छे डॉक्टर ने दूर बजा दे है और शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहा है, दवाइयाँ ने छुटवा दे है। बहुत सारे लोग इसे हैं जो डॉक्टर की दवाइयाँ तो ठीक ना होते, योगा तो ठीक हो गया है। तो देखो इस उम्र में 17 साल की उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड यो बना रखा है, तो आपका क्या कहना है पंकज के बारे में ज़रूर बताइयो, और तस्वीर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि इस बच्चे ने देख कर और बच्चे भी प्रेरित हो कुछ ना कुछ करने की सोचा है। क्योंकि देखो नुकायाग्रह बुराई तो बहुत जल्दी फैल जाएगा, बुराई ने देख कर बुराई बहुत जल्दी सीख ले हैं लोग, लेकिन अच्छाई ने देख कर कुछ अच्छा करना बहुत कम लोगों की बस की बात हुआ है। तो हम यही कहें कि तस्वीरें ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि इन चीज़ों ने देख कर और बच्चे भी आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें। फिर मिलेंगे, जय हिंद।